पर अब बात पंजाब की, जहां जनता ने आपका मान रखा। यूपी के साथ ही पंजाब के चुनावी नतीजे भी साफ हो गए। इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को 92 सीटों से नवाजा है। साफ है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से बाहर निकलकर देश में अपना दायरा फैला रही है। केजरीवाल ने जीत के बाद ऐलान कर दिया कि आपका काफिला अब दूसरे राज्यों की तरफ भी कुछ करेगा। We all love you, पंजाब। भारतीय लोकतंत्र में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद जनता को लव यू कहा है। जी टीवी देख रहे हैं, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालों तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। पंजाब में झाड़ू ने ऐसी सफाई की है कि अच्छे अच्छे दिग्गज साफ हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, चरणजीत सिंह चन्नी हार गए, सुखबीर सिंह बादल हार गए, प्रकाश सिंह बादल हार गए। आज मैं थोनू कहना सी बत्ती दंद ने मैथो ना कहाया करो कुछ, बड़े वाल साहब हार गए। दिल्ली के बाद पंजाब भी आम आदमी पार्टी का हो गया है। पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार। आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने पंजाब में ऐसी सफाई की है कि ना कांग्रेस बच पाई, ना शिरोमणि अकाली दल और ना बीजेपी। मतलब साफ है, जीत गया भाई, जीत गया। पंजाब में एक नई पार्टी के आने का इतिहास बना है। आप देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बनी है जिसकी दो राज्यों में सरकार होगी। पंजाब ऐसा पहला पूर्ण राज्य होगा जहां आपकी सरकार होगी। दिल्ली में आप पहले से ही सरकार चला रही है। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए, कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने, अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। यूपी में जिस तरह योगी के चेहरे पर लोगों ने दिल खोल कर वोट दिए, ठीक वही पंजाब में हुआ जहां केजरीवाल ने सीएम पद का चेहरा भले ही भगवंत मान को बनाया लेकिन जनता ने वोट केजरीवाल को देखकर ही दिया। इंकलाब बंदे, ये केजरीवाल मॉडल ही तो है, पंजाब के दिल में बस गया है। आपका जश्न दिल्ली टू पंजाब जारी है। इधर केजरीवाल विरोधियों को ललकार रहे थे, उधर संगरूर में भगवंत मान जीत का जश्न मना रहे थे। मान के चेहरे पर आज वही खुशी थी जो दिल्ली में केजरीवाल के चेहरे पर थी। संगरूर में जीतते ही भगवंत मान ने मां को गले लगा लिया, फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि पंजाब की सरकार अब गांवों से चलेगी। पहला पंजाब मोती महिला चो चलदा सी, सिसमा वाले महिला चो चलदा सी,
बड़े दरवाजे बहुत उच्चिया उच्चिया कंधा आले घर चो चलदा सी, पर अज तो बाद पंजाब पिंडा चो चलूगा, वार्डा चो चलूगा, मोहल्लिया चो चलूगा, शहर चो चलूगा। पंजाब थोड़ा है, असी कोई रिश्ते नहीं कराई इन्हों के ना, पंजाब थोड़ा है। अज मैं थोनू कहना सी बत्ती दंद ने मैथ ना कहाया करो कुछ बड़े वाल साहब हार गए, सुखबीर जलालाबाद तो गया, आदेश प्रताप कह रहा हूं पट्टी तो हार गया, कैप्टन साहब पटियाले तो हार गए, सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने, चन्नी साहब दोने सीटा तो हार गए। आम आदमी पार्टी ने राजनीति को एक नई दिशा दी है, आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीद बन गई है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आम आदमी पार्टी हार से सीख रही है, हार के बाद अपनी कमजोरियों पर काम कर रही है। आपकी जीत बता रही है कि वो देश में मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की राह पर चल पड़ी है। जीत से गदगद केजरीवाल ने ऐलान भी कर दिया है, अब पूरे देश में इंकलाब होगा। जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ, आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का वो चेहरा बन गए हैं जो देश के आम आदमी की उम्मीद बनने में सफल रहे हैं। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन से निकले केजरीवाल ने लोगों को बेहतर और जनता हितैषी राजनीति की उम्मीद दिखाई है। केजरीवाल एजेंडा सेट करने में कामयाब रहे हैं कि देश में अब सिर्फ मुद्दों की राजनीति होगी। पंजाब के लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है, बल्कि एक मौका दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक मौका दिया है पंजाब के लोगों ने, और आज पूरे देश में यह एस्टेब्लिश हो गया है कि गरीब आदमी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, भ्रष्टाचार झेल रहे लोगों के लिए, सबके लिए केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एक उम्मीद है। लोग ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से व्यापार किया जा सकता है, गरीब आदमी ये सोचता है केजरीवाल जी होंगे तो ईमानदारी से सरकार की सेवाएं ली जा सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इलाज मिल सकता है। तो हर तरफ आज राष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्थापित हुई है कि केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी के सरकार का चलाने का तरीका, जिसको हम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह रहे हैं, इसको एक राष्ट्रीय पहचान मिली है। आम आदमी पार्टी को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 20 सीटों से संतोष करना पड़ा था, लेकिन तभी यह साफ हो गया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल बहुत बड़ा खेला करेंगे, और आज वो केजरीवाल ने करके भी दिखा दिया। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। केजरीवाल ने कैसे उड़ता पंजाब को उम्मीद का पंजाब बना दिया, अब ये भी जान लीजिए। आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त और 24 घंटे बिजली देंगे, 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रतिमाह आएंगे, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, पंजाब को नशा मुक्त करके दिखाएंगे, ग्रंथों की बेअदबी मामलों में कठोर से कठोर सजा देंगे। बस यही वादे पंजाब की जनता के मन में घर कर गए। केजरीवाल ने अपनी योजनाओं और गुड गवर्नेंस से दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है। दिल्ली के बाद बारी अब पंजाब की है, पंजाब में पूरे धूम धड़ाके के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जीत गया भी, जीत गया।